हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है ननद। शिखा परिवार की लाडली बिटिया, या फिर यूं कहें कि परिवार की आन बान और जान। जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। शिखा के दादाजी शिखा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें शिखा की एक चिंता और खाए जा रही थी, और वो थी शिखा की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में शिखा का ससुराल ढूंढते, लेकिन शिखा को शादी नाम से ही इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो वापस अपनी धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफ़ी खोजबीन के बाद भी शिखा के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नज़र नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सकें। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वह अपने दोस्त राय बहादुर जी से मिलने बरेली की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वह बरेली पहुँचे तो राय बहादुर ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वह भी बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे राय बहादुर के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगला, बंगले के आगे बगीचा, गाड़ियाँ और नौकर चाकर देख दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 10 सालों में राय बहादुर ने कितनी तरक्की कर ली है, नहीं तो 10 साल पहले राय बहादुर के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते शिखा के दादाजी अपने दोस्त के बंगले पर पहुंच ही गए। गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ के साथ ही राय बहादुर घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वह दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफ़ी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख शिखा के दादाजी भी फूले नहीं समाए। चाय नाश्ते के बाद राय बहादुर ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो राय बहादुर के हाथ में सौंप दी। राय बहादुर भी अपने बेटे विक्रम के लिए एक सुयोग कन्या की तलाश में थे। तीखे नयन नक्श, चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली शिखा बिटिया की फ़ोटो को देखकर ही उन्होंने शिखा को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। राय बहादुर इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा विक्रम आ गया। विक्रम ने दादाजी के पैर छुए और हालचाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। विक्रम के जाने के बाद राय बहादुर ने अपने दोस्त से विक्रम और शिखा के संबंध के लिए पेशकश की। शिखा के दादाजी को लगा जैसे राय बहादुर ने उनके मुंह की बात छीन ली। खैर, प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने के लिए कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। विक्रम को भी शिखा बहुत पसंद थी, लेकिन विक्रम की माँ विक्रम की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी, लेकिन विक्रम के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर विक्रम और शिखा की शादी हो गई। ससुराल में शिखा के सास ससुर विक्रम के बड़े भैया भाभी शिखा की उम्र की एक ननद थी रागिनी। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण शिखा ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली, लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह शिखा के हर काम में कुछ न कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही विक्रम ने शिखा से साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ना तो मैं किसी के बात पर माँ से बहस करूँगा और ना ही तुम्हारा साथ दूँगा, तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन शिखा की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। शिखा की नन
जरूर उसकी माँ से सीखा भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब एक साल निकल गया, शिखा और विक्रम को जुड़वा बेटियां हुईं। यह समय शिखा के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। शिखा का दर्द शिखा के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में शिखा को संभालने वाला कोई नहीं था और विक्रम और उनके पापा ने शिखा को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन रागिनी कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी दो प्रस्तुतियां हैं, इसलिए आप सभी को चलना बहुत ज़रूरी है। खैर ना चाहते हुए भी शिखा को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ रागिनी के कॉलेज जाना। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साह वर्धन किया। मॉडलिंग में रागिनी ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में रागिनी के साथ चार और लड़कियों को सिलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने रागिनी से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दो? पूरे सदन में खामोशी छाई थी। सभी रागिनी के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी रागिनी ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का? जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? रागिनी ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी रागिनी की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। रागिनी को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले रागिनी ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल से किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा, और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख पहुंचा तो उनकी माँ को भी दुख पहुँचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है, इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। रागिनी के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ही शिखा की सास ने शिखा को गले से लगा ली। हाँ तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट अवश्य करना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।